और हम आज आराम से उठे हैं क्योंकि आज संडे है और हमारा प्लान बना है कि आज हम जा रहे हैं नया घर देखने, क्योंकि हमें होटल में खाली आज का दिन है और कल से हमें फिर से नए मंथ के चार्ज देना है। तो हम सोच रहे हैं अगर आज कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाता तो हम वहाँ शिफ्ट कर जाएँ और यहाँ पर छोड़ें। और तो बस चलते हैं आगे आपको लेके और दिखाते हैं आपको प्रॉपर्टीज़ जितने भी हम जगह जाएंगे, कौन कौन से ब्रांड्स के टाइप हैं और कौन कौन से नॉर्मल डायरेक्टली जा रहे हैं, हम सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून गाइस, ब्लॉग में आगे बने रहिए और सब्सक्राइब कर देना चैनल ज़रूर और मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, हम बहुत सारे 1 BHK 2 BHK देख के आए हैं लेकिन हमें कुछ वर्थ इट नहीं मिल रहा। 2 BHK बहुत छोटे हैं, आपको मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया, अब नेक्स्ट जो भी देखेंगे वो रिकॉर्ड करूँगा। सो अभी हम आए आशीर्वाद ग्रैंड करके एक रेस्टोरेंट है, प्रिया का 2 दिन से पाओ छोले भटूरे खाने का बहुत मन था तो हम छोले भटूरे खाने के लिए रुके हैं। सो खाते हैं और जल्दी से मिलते हैं आपसे। और जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे PG4 वो है, वहाँ पे हमने वो वाली बिल्डिंग में देखा है, वो मेरे को अच्छा भी लगा, साफ़ सुथरा है। सो वी कैन प्लान फॉर डैट अगर कुछ नहीं मिला तो। और यहाँ पे रेंट है 2 BHK के 20,000, 25,000, 30,000 और 70,000 रुपये इनके वो है चार्जेस, मतलब एडवांस। तो जिस तरीके से जैसा भी मिलता आपको दिखाएंगे और अभी आगे लेके चलेंगे, जल्दी से खाते हैं फिर आपको मिलते हैं आगे। इससे तो हमने अभी छोले भटूरे लिया था, भटूरे का साइज देख सकते, एक प्लेट जितना बड़ा भटूरा था। तो अभी एक मैंगो शेक और बनवा रहे हैं, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, नॉर्थ की तरह ही है। मैंगो शेक मेरे मतलब फुल ऑन सेल आए, तो जल्दी से आगे चलते हैं खाते हैं फिर देखते हैं क्या है, आपको टेस्ट के बारे में और बताऊँगा। गाइस अभी हम एक फ्लैट में आए हैं 2 BHK में, आपको दिखाता हूँ, हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज सम पोर्च एरिया, दिस इज बालकनी, दिस इज ड्राइंग रूम, बेडरूम विद वॉशरूम, दिस इज अनदर वॉशरूम, दिस इज बेडरूम विथ कैबिनेट, दिस इज बालकनी। और आपको चलिए किचन पे लेके चलते हैं। दिस इज मॉडर्न किचन। सो फ्लैट तो अमेजिंग है, नो डाउट फ्लैट अच्छा है, सारी चीज़ें भी वर्थ इट हैं, लेकिन रेंट और डिपॉजिट बहुत ज़्यादा। रेंट इज़ लाइक 27K एंड डिपॉजिट इज़ लाइक 1.5 lakhs फॉर 6 months, और 6 months के बाद मिनिमम 6 months आपको स्टे करना पड़ेगा ना, डिपॉजिट आपका गया। सो बहुत एक्सपेंसिव है ये वाला, मतलब रेंट ठीक है, रेंट एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन 1.5 लाख देना बहुत एक्सपेंसिव है। सो हम दूसरी कोई सोसाइटी देखने जा रहे हैं, हम अपनी एक और हमने देखी है, बहुत अमेजिंग प्लेस है, हैपनिंग भी है, सो हम वहीं का फाइनल कर रहे हैं, वहाँ का रेंट भी आपको आगे चल के बताता हूँ। सो स्टे ट्यून, चलते हैं आपको दूसरी सोसाइटी लेके। सो गाइस अभी हमने एक बिल्डिंग देखी है, ये लिखा है 2 BHK फॉर रेंट बिल्डिंग है। मौसम देखो यार, यहाँ पर क्या अमेजिंग रहता है यार। चलिए आपको लेके चलते हैं जल्दी से, फ्लैट बहुत अमेजिंग है, एक बार फिर से देखते हैं फाइनल, क्योंकि हमने बहुत सारे फ्लैट देखे हैं, फिर सोचते हैं को फाइनल करना नहीं करना, आपको बताएंगे। सो आप भी थोड़ा एडवाइस करना। सो वी आर गोइंग, लेके चलते हैं आपको स्टे ट्यून गाइस। ये है घर, घर तो आपको दिखाएंगे, इसका व्यू देखिए यार अमेजिंग, और यहाँ पे है लेक, पूरी झील है, क्या अमेजिंग व्यू है यार। सो चलते हैं आपको लेकर, 501। सो ये है फ्लैट, दिस इज ड्राइंग रूम, और एक वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम है, ये ठीक करके देगा वो, ये कॉमन मतलब ये सिंगल रूम है, ये भी ठीक करके देगा, अलमारी नहीं लगा के देगा, इसमें एक खिड़की है। सो सेकेंड हम चलते हैं आगे, ये हो गया अपना मंदिर, बेसिकली ये मंदिर के लिए हो गया, ठीक है, यहाँ पे मूर्ति भी लगी, जय माता दी। ये होगी किचन, काम चल रहा है, ये वॉशिंग एरिया, और यहाँ चले तो ये हो गया एक और बेडरूम, इसी कबर्ज वगैरह सब कुछ इन्होंने बना के दिया है। हमारा वॉशरूम भी नया, मतलब पूरा साफ सुथरा अच्छा सा करके देंगे, गीजर है दोनों में। सो यहाँ से व्यू भी, मतलब खिड़की है तो अच्छा व्यू है, ठीक है। सो गाइस इसका रेंट 23,000 है, वैसे इन्होंने ज़्यादा मांगा था लेकिन 23,000 इन्होंने फाइनल करवाया है,
और हम दो बंदे अलग अलग रह रहे हैं तो दो रूम्स होंगे। सो एक का इसके यहाँ से झील भी है यार, हाँ देखो झील। सो यहाँ पे एक मतलब 23,000 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 11,500 पर बंदा आएगा। सेकेंड थिंग, हम अगर सामान भरते भी हैं रेंट पे, जैसे बेड, टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ अगर मंगवाते हैं तो भी आई थिंक 5,000-5,000 रुपये ऊपर हो जाएगा, तो भी हमें लाइक 15,000-16,000 पर हेड पर रूम पड़ेगा। सो मुझे लगता है बजट है। और यार सबसे बड़ी बात है अपना घर अपना ही होता है, मतलब जैसे भी हो घर है इसमें मज़ा आएगा। अब हम पीजी लें या होटल लें तो उनमें इतना मज़ा नहीं आएगा। और मेरे को तो यार व्यू की वजह से ना दिल खुश होता है, एक अलग लेवल की खुशी है। सो देखते हैं, इसका डिपॉजिट है 60,000। सो देखते हैं कि इनका फाइनल क्या रहता है, जैसे भी फाइनल होता है, जो भी फाइनल होता है आपको बताते हैं। जल्दी से चलते हैं वापस होटल और वहाँ जाके जो रोमिल भैया है उनके कज़न है उससे फाइनल करते हैं कि वो उसको भी ये पसंद है नहीं है और हम फाइनल कर रहे नहीं कर रहे। इसका डिपॉजिट है 60,000 एंड रेंट है 23,000, क्योंकि वर्थ इट है, वर्थ इट। जल्दी से चलते हैं हम, तो मिलते हैं आपसे आगे स्टेट में। सो गाइस आपको एक बार छत भी दिखा देते हैं, जो व्यू हमारे पास है छत से, लुक एट, इतनी खुली है यार। अपना शाम को टेबल, क्या हवा आ रही है, आराम से बैठो अपना एंजॉय करो, ये अपना पूरा व्यू रहेगा। हाँ भाई, अब मैं आपको उस साइड का भी ज़रा व्यू दिखा देता हूँ जो कि असली व्यू है यहाँ का। यहाँ पे लेने का एक बस मेरे को ये भी रीज़न लग रहा है क्योंकि झील के पास ना चीज़ें बहुत अमेजिंग है, मतलब ठंडा माहौल, ठंडा मौसम। ये देखो लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू, मस्त मस्त मस्त। हमने वो वाले फ्लैट्स भी देखे थे, ये फ्लैट्स भी देखे, वो फ्लैट्स भी देखे, लेकिन उन सब का डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन लाख रुपए डिपॉजिट है कि जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। एक हमने घर भी उधर कहीं देखा है, उधर अंदर जो आपको दिखाया था ना इससे पहले वाला घर, वो वहाँ कहीं अंदर है, लेकिन वो हमारे हमारा ऑफिस है इस साइड। अब वहाँ से हमें यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ से हमें वहाँ जाना पड़ेगा, तो बहुत दूर पड़ जाएगा, लेकिन ये अच्छा है वही। चलिए गाइस लेके चलते हैं आपको, मिलते हैं अगेन आगे शाम को, देखते हैं क्या प्लान बनता है, फिर आपको वो भी दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस हम आए हैं कुछ खाने, आपको ये मार्केट के बारे में पता ही होगा। सो हमने अभी लिए मोमोज और रोल, बहुत भूख लग रही थी यार, लंच नहीं करा, बहुत घूम घूम के थक चुके थे और रात ही हम सो गए थे। सो अभी हम खाने आए हैं, मैंने सीख लिया, मैंने मोमोज लिए, रोल लिए, और आपको बताऊँ तो हमने घर फाइनल कर लिया है। आपको गुड न्यूज़ कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी, तो होप सो हम शायद कल शिफ्ट भी कर जाएं, कल या परसों तक शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमें कीज़ मिल चुके हैं घर की, हमने वहाँ पे डिपॉजिट और सिक्योरिटीज़ और सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं। सो आपको बताते हैं, फिर आपको लेके जाते हैं घर एक बार ही, और ब्लॉग की जब एंडिंग करेंगे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। सर स्टे ट्यून्ड। सो गाइस ये हमारा सामान आ चुका है और जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइस अभी हम आए हैं डिनर पे, वेयर रोमिल भैया। तो अभी बेसिकली हमने, मैं आपसे देख रहा कि मैंने चमकी वमपी कर ली थी, यस, मैं बहुत सुबह से थक चुका था, बहुत ज़्यादा घूमे आज घर ढूंढने के लिए, और बहुत ज़्यादा थकने के बाद मैंने चमकी वमपी करी, और उसके बाद अब हम आए हैं रोमिल भैया लेके आए हैं डिनर पे, हंगर कैम्प। सो आप देख रहे हो प्रिया अंदर है, वहाँ पर दिख रही होगी प्रिया, प्रिया दिख रही होगी। सो चलते हैं अभी आगे ब्लॉग के लिए, आगे अब खाना खाएंगे आराम से, बढ़िया, बहुत भूख लग रही है, कुछ ठंडा ठंडा पियेंगे और मिलते हैं आपसे आगे, दिखाते हैं आपको इंटीरियर। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ बारिश तो नहीं हुई। सो ये इंटीरियर, हाँ क्या वो भी खाली। सो ये रेस्टोरेंट के कह रहे हैं जैसे कि ओनर है वो वही आर्मी पर्सन है, सो उन्होंने ये आर्मी थीम रखी है, आप देख सकते हो ये आर्मी का कैंप, ठीक है। ये देखो पूरे ऊपर से वो देखो पूरी प्लेन और पूरी सफेद आर्मी की है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सो चलो आप खाना वाना देखते हैं यहाँ पे कैसा है, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये बंदूक और इसको हमने बना दिया सर फौजी, कल से इसकी भर्ती है, बॉर्डर पे भेजे इसे वैसे, हाँ ओरिजिनल है। तो गेम खेलते थे कल, पता नहीं यहाँ रखते हैं ये, नहीं वो यहाँ रखते हैं यहाँ कंधे पे, हाँ ये है M4 UMP है, कौन सी UMP,
हाँ ऐसे ही हाँ कोई और है बढ़िया सो इनकी क्वांटिटी वही नॉर्मल साइज है दाल मखनी एंड सो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे जितने भी पुराने कर्नल्स लेफ्टिनेंट थे तो उनकी इन्होंने पिक्स वगैरह लगा रखी हैं उनके लिए बता रखा है सब कुछ सो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है नीचे बंकर्स बना रखे हैं आपको दिखाते हैं थोड़ा यू कैन सी द बंकर सो दिस इज वे टू बंकर ओह यार क्या कॉन्सेप्ट है यार मस्त फील सी आ गया आर्मी में हैं अरे वाओ नाइस ये देखो दिस इज कॉल्ड बंकर क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट निकालते हैं यार ये मतलब कितना अमेजिंग और एपिक है देखो इतना बड़ा वो ठीक है बड़ा अच्छा सा यार मस्त कुछ नया कॉन्सेप्ट नया खाना भी बहुत अच्छा था टेस्टी था मज़ा आया पेट भर के यार बहुत ज़्यादा खा लिया बहुत ज़्यादा खा लिया सो दैट्स इट हम लेके चलते हैं आपसे वापस मिलते हैं आपसे आगे चलिए जल्दी से पहुँचना फिर आपसे मिलते हैं स्टे ट्यून्ड सो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही था और आज आपको हमने दिखाया कि हमने कौन कौन से घर देखे और फाइनली हमारा घर सेलेक्ट हो गया है हो सकता है हम कल अपने घर में शिफ्ट कर जाएं सो स्टे ट्यून्ड गाइस सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन गुड बाय गाइस सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बने रहना इस व्लॉग में इसी तरीके से इस चैनल को प्यार दो सपोर्ट दो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है सो स्टे ट्यून्ड गाइस